भूटान का पानी आ रहा है, वाटरफॉल का पानी है तो बहुत खूबसूरत है। अभी वहाँ जाएंगे, नहाएंगे, अच्छे से अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत ब्लॉग बनेगा शायद, मुझे लग रहा है। और तीन बाइक है, ये मेरे मेरे बाइक मिलकर चार बाइक हैं, देख सकते हो बहुत खूबसूरत। गो गो गो, चलो भाई मंदिर मिलने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। देख सकते बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ब्रिज टूट गया, टूट गया का है। पहले यहाँ पे पानी था, मुझे लग रहा है फिलहाल तो नहीं है, गंदा हो जाएगा हम लोग, बाप रे बाप। चलो रे चलो, गंदा हो गया, बहुत खूबसूरत नजारा है। पानी यहाँ से मजा था, पानी ने एक लग सूख गया, बहुत खूबसूरत नजारा है, भूटान का नजारा है, पानी में से मजा आ जाता है। ये हो गया भूटांग लेक, बहुत खूबसूरत लेक है। हाँ अरे ले लिया, वो हो गया भूटान। पहाड़ है, भूटान है, देख सकते हैं ये रास्ते, भूटान का रोड है, मतलब ये आउटसाइड रोड है, जो हाईवे है वो नहीं, दूसरा रोड है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, जो पिकनिक प्लेस है, वाटरफॉल है, सब वीडियो में कैप्चर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, तो किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का मतलब किस तरह का नज़ारा है, आना कैसा है, आप सब कुछ दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। देख सकते हो सुनसान है एकदम, पूरा एकदम चादर वाइट वाइट दिख रहा है, वो लेके बहुत खूबसूरत नज़ारा है, दिखाएंगे आप लोग को, बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बकरी का पेड़ है, इधर आप लोग बकरी भी खा सकते हो, अभी फिलहाल बकरी का सीजन नहीं है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, अच्छा किया पेड़ लगा के, बहुत अच्छा लगा, हाथी को आने के लिए अच्छा रहेगा, बकरी खाने के लिए, इंसान तो सबसे बड़ा हाथी है। देख सकते पापा के परी और जेंट्स लोग बैठे हुए हैं,
हाँ होता है। छोटा सा फ्लाईओवर है, कहाँ जाने के लिए मुझे भी नहीं पता। मंदिर है, हनुमान मंदिर है। छत में कितना छत पार है, इधर में लेक है लेफ्ट साइड में, वाटरफॉल का लेक है, बहुत खूबसूरत है, देख सकते हो लोग वीडियो के माध्यम से। ओह अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है, वाह वाह मन खुश हो गया, देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, दिखा रहा वीडियो के माध्यम से। कितना सोफा पानी है ब्लू, लोग यहाँ पिकनिक खा रहा है, इधर लेक दोनों तरफ है। वाह वो रुक जा रहे भाई, बहुत खूबसूरत नजारा, अरे कैप्चर कर लेता हूँ, कैप्चर कर लो दे, बहुत खूबसूरत नजारा देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, देखने सबको मन खुश हो जाएगा। दोनों तरफ है, किधर देखोगे आप लोग, लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, वाह दोनों तरफ है, एक किधर से किधर से आ रहा है भाई। रास्ता भी भयंकर है, एडवेंचर जानने इसको बोलता है। रुक जा भाई, कुछ शॉट ले लेता हूँ, दोबारा कब आने का मौका मिलेगा भरोसा नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे मछली है, आप लोग को वीडियो का माध्यम से अच्छे से दिखाता हूँ मैं, बहुत खूबसूरत मछली है, आप लोग को गोपुर का पानी का अंदर डाल के आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो मछली दिखाता हूँ। देख सकते हो बहुत मछली है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं गोपुर अंदर डाल दिया, देख सकते हो पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है, इतना मछली यहाँ पर है, बहुत क्यूट लग रहा है। वाह
आओ मजा आ गया, पकड़ में नहीं आ रहा है, देख सकते हो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैं कोशिश करूंगा पकड़ने के लिए, देखता हूँ मैं पकड़ पाता है कि नहीं पाता हूँ। अगर पकड़ लिया तो वीडियो को मैं दिखाऊंगा, अगर नहीं पकड़ा तो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा पकड़ने के लिए। देख सकते हो मैं गोपुर इधर से इधर हिला रहा हूँ, ये लोग कितना भाग रहे हैं जोर जोर से, बहुत फुर्तीला है, बहुत मतलब बहुत फुर्तीला है। मैं गोपुर हिला रहा हूँ इधर से उधर, ये लोग भी हिल रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं, देख सकते हो फटक से भाग जाता है, बहुत फास्ट है भागने में, बहुत चालू मछली है, इसको पकड़ने में नहीं आएगा कभी भी, जाल लेके आना पड़ेगा तब पकड़ सकते हैं आप लोग। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग भूटान में है, ये है भूटान का नदी और हम लोग का ब्लॉग जारी है। ये है हम लोग का शिकारी मानस, देख सकते हैं आप लोग कैसे मछली का शिकार कर रहा है, मछली का कातिल है। ये देखिए एक मछली मारेगा, अभी तक हाथ में नहीं लगा, एक घंटा हो गया, गहरे पानी में जा रहा है हम लोग का शिकारी। ये जाने के लिए रेडी है हम लोग का संदन पुरो और हम लोग तैरते हुए जाएंगे डायरेक्ट बोरमा। ए बोका तोर दांत जल्दी क्या लगते है, तोर जल्दी क्या लगते है जो बेस अमिता फ्राइ मोमो ये आपको यह मिलेगा, ये मिलेगा आपको बोटांग साइड में, कहीं नहीं मिल सकते। देख के आप लोग खाने का मन करेगा, इतना खूबसूरत है, ये एमी है, देख सकते हो, देख सकते हो, देख के आप लोग खाने का मन करेगा शायद। आप भेष पपीता फ्राई मोमो ये भूटान साइड में मिलता है खाने के लिए, बहुत एमी और बहुत देखने में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत यूनिक मोमो है, पपीता मोमो एंड भेष पपीता मोमो, इसको फ्राई किया जाता है अच्छा से, देख सकते हो इसका कलर टेस्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत टेस्ट भी होता है, जो खाया उनको पता होगा इस बारे में कितना टेस्ट होता है।